जनपद हमीरपुर के राठ कस्बे में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पद पर रतन सिंह राठौर चुने गए निर्दलीय, जबकि अध्यक्ष पद पर एक व महामंत्री पद पर दो नामांकन। अधिवक्ता संघ राठ की नवीन कार्यकारिणी के निर्वाचन होने पर नामांकन पत्र दाखिल किए गए मुख्य चुनाव अधिकारी एम डी सिंह व सहायक चुनाव अधिकारी रूपेश तिवारी व मनोज कुमार ने बताया कि अध्यक्ष पद पर नामांकन हुआ है तो क्या कुछ लोग निर्विरोध चुने गए हैं। पत्र जमा करने पर उनका निर्विरोध चुनाव जाना तय है, जबकि महामंत्री पद पर दो प्रत्याशी लतीफ उल्लाह खां व अजय कुमार ब्यास ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वरिष्ठ उपाध्याय पद पर ब्रजभान सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष प्रथम दिलीप कुमार द्वितीय, पीयूष शर्मा व तृतीय पर सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने नामांकन किया। कोषाध्यक्ष पद पर अबरार अहमद व कनिष्ठ सदस्य पर राजेंद्र कुमार महान ने नामांकन दर्ज कराया। बताया कि 5 फरवरी को नाम वापसी की जा सकती है। एल्डर कमेटी के चेयरमैन जुगल किशोर त्रिपाठी ने बताया कि यदि किसी नाम वापस नहीं लिया गया तो महामंत्री पद पर 13 फरवरी को मतदान व इसी दिन परिणाम घोषित होंगे। आज जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी तो क्या कुछ निर्विरोध भी हुए हैं घोषित? हाँ, आज बार एसोसिएशन राठ का चुनाव चल रहा था, जिसमें अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जो है रतन सिंह राठौर निर्वाचित हुए हैं। केवल एक पर्चा भरा गया है, दूसरा इनके विरुद्ध कोई पर्चा नहीं आया, इस वजह से निर्विरोध जो है हो गए। केवल मंत्री पद पर 2 पर्चे दाखिल हुए हैं, जिसमें एक हैं लतीफुल्ला खान और दूसरे हैं अजय कुमार व्यास, इसमें चुनाव हो सकता है। उपाध्यक्ष के लिए भी निर्विरोध हुए? हाँ, उपाध्यक्ष निर्विरोध हो गए, कोषाध्यक्ष निर्विरोध हुए और सदस्य भी निर्विरोध हुए। यदि आवश्यक होगा चुनाव तो 13 फरवरी को चुनाव होगा। हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए विशेष संवाददाता सीतू सेंगर की रिपोर्ट।